हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सब लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग आप लोगों के लिए एक शेयर लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में इस समय करंट बजिंग न्यूज़ में एक स्टॉक, और उस स्टॉक के कंपनी का नाम है केशोराम इंडस्ट्री। केशोराम इंडस्ट्री बिरला ग्रुप से एसोसिएटेड है और बिरला ग्रुप एक वेल नोन नेम है। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि इसका एबिटा बढ़ा है, राइज अप हुआ है, इसके ग्रोथ बढ़ी हुई है, इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो करंट न्यूज़ है, ये अच्छी न्यूज़ कैसे हमारे काम आ सकती है और हम कैसे इस अच्छी न्यूज़ का लाभ उठा सकते हैं, ये देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा टेक्निकल चार्ट्स पे, और वहाँ पर हम चल के देखेंगे इसके लेवल्स की ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट इसका हम ले सकते हैं। तो ये बताने के लिए शरद जी तैयार हैं। शरद सर, जी सर, थैंक यू सर। मैं आपको बता देता हूँ, कंपनी सीमेंट में, केमिकल्स में, रेयॉन, इस तरह की जी चीज़ें बनाते हैं। पीके बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो आपने बताया ये कि रेवेन्यू में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और एबिटा में अच्छी ग्रोथ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो क्या खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते, क्या लेवल्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं सर। ये वीकली चार्ट है केशोराम इंडस्ट्रीज का। तो सर, सबसे पहले बिना कुछ ज़्यादा वो करे हुए, सीधा सीधा एक ये हमें दिखता है, एक लो पोलैरिटी यहाँ पे दो तीन बार सपोर्ट लिया है यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस भी लिया है दो बार यहाँ पे, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि यहीं पे रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है सर, एक ये हो गया। एक हमें चैनल की पॉसिबिलिटी दिखती है कि ये इस पे जैसे कई बार सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस लिया है, इसको रिप्लिकेट करते हैं तो ऊपर यहाँ तक के लेवल आ रहे हैं। ठीक है, इसको फिर से हम रिकॉल करेंगे, अभी के लिए इसका काम नहीं है, अभी इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, और देखते हैं थोड़ा सा जो कि पूरे चार्ट की बजाय अभी क्या चल रहा है उस पर बात कर लेते हैं सर। तो अभी अगर हम ध्यान देंगे तो ऐसा एक पैटर्न बना था, उसका ब्रेकआउट आया, सॉरी ब्रेकडाउन आया और नीचे की तरफ स्टॉक गया। उसके बाद में अभी क्या हो रहा है कि एक और पैटर्न बन रहा है स्टॉक के अंदर, सॉरी पैटर्न बन रहा है, और इस तरह से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें जो हम बना रहे हैं इनको वेरीफाई करने के लिए और क्या चीज़ें मिल रही हैं वो भी हम देख लेते हैं एक बार सर। एक ये देखेंगे आप, यहाँ से यहाँ तक एक गिरावट आई थी, इसको मान लेते हैं कि ए और बी हो गया ये। उसके बाद में एक फिर ये गिरावट आई थी, सी और डी, तो ये ए बी इक्वल टू सी डी टाइप की गिरावट आई थी। मोर और लेस सिमिलर है, सेम नहीं कहेंगे, सिमिलर है। तो इस तरह की एक गिरावट आई थी, उसके बाद में ये अब हाल फिलहाल में ये एक पैटर्न बन रहा है। इसको अब अगर मैं ए बी सी डी और ये सब चीजों को हटा के इसको चैनल के साथ दिखाऊं, तो मैं बाकी चीजें हटा देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी, क्लीन हो जाएंगे चार्ट। तो इस तरह का अभी दिख रहा है, तो हमें ऊपर के लेवल्स जो चैनल के हिसाब से दिख रहे हैं सर, वो दिख रहे हैं लगभग 330 के आसपास के, 320 के आसपास के लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक का प्राइस अभी 89 है, आप देखिए कि मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर के बता रहा हूँ, काफी ज्यादा ऊपर के। तो दूसरी एक और चीज क्या मैं दिखाना चाह रहा था इसमें कि ये तो हो गए कि ऊपर के लेवल, अब इन चीजों को अगर आप देखें कि अगर मैं यहां से टारगेट भी लू, इसको कर देते हैं वाइट, ये वाला टारगेट भी लू, तो ये टारगेट भी मेरा अगर ब्रेकआउट से जाते जी हैं जी तो ऊपर आता है, लेकिन इस टारगेट से पहले ये एक रेजिस्टेंस आएगा हमारा लॉन्ग टर्म का, उसको हम ज्यादा जो है वैल्यू देंगे इस टाइम के लिए। तो इस टारगेट की बात बाद में करेंगे जब कभी ब्रेकआउट होगा या इसके ऊपर भी जाने लगेगा तब। अभी के लिए हमारा टारगेट इसी के पास है, 330 320 के आसपास। अच्छा, अब डेली में चलते हैं कि बाई कहाँ पे करें, ये तो आपको सीधा सीधा पता चल ही गया कि रेजिस्टेंस पे टच होके वापस नीचे आ रहा है, तो जी बाई करने का लेवल क्या आएगा, प्लस ऊपर से एक रेजिस्टेंस जो हमने पहले भी दिखाया था आपको, ये लो पोलैरिटी का रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस की वजह से नीचे आ रहा है। तो कभी भी न्यूज में पढ़ के कभी भी गलत जगह पे एंट्री ना करें स्टॉक में। वीडियो बनाने का रीजन ये नहीं है कि आपको बाइंग और सेलिंग का आइडिया देना या आपको लेवल्स का बताना, वीडियो बनाने का मेन रीजन या मकसद ये है कि आपको एजुकेट करना है कि कभी भी पॉजिटिव न्यूज जो होती है
उस पे एकदम से बहुत ही एक्साइट होके सीधे सीधे एंट्री ना कर लें, ये काफी खतरनाक हो सकता है आपके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक जो है इसमें वेव काउंटिंग भी चल रही है, ABCDE। तो हमें लगता है कि यहाँ पे नीचे आना चाहिए, वो प्राइस रहेगा लगभग 79 to 81 रुपीज के आसपास, प्लस माइनस 1-2 रुपये इधर उधर। तो 80 के आसपास आप मान लीजिए कि 80 के आसपास आपको मिलता है तो आपको ये बाय करके चलना चाहिए। और ऊपर के लेवल्स आपके लिए आपको पता है कि अच्छे खासे दूर के हैं, तो हमें दिख रहा है कि 320 330 तक पहुंचने की पूरी जी पूरी संभावना है। तो इसको एजुकेशन की तरह लें, और अगर आपको अगर स्टॉप लॉस भी लगाना है तो यहाँ पे फिर आप, ये 59 क्रॉस कर जाता है नीचे की तरफ, तो उसके बाद के स्टॉप लॉस की सोचे 50 56 55 के आसपास आप स्टॉप लॉस लेके चलें, क्योंकि हम टारगेट बड़ा दे रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा उसी जी अनुपात में। या फिर करेक्ट स्टॉप लॉस ना भी लें, मेरे ख्याल से यहाँ से नीचे गिरना नहीं चाहिए, थोड़ा ऐसा दिख रहा है चार्ट पे। तो सर ये छोटा सा एनालिसिस था और मेरी तरफ से खत्म हो गया। प्रसाद आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बताइए। जी सर, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस था, 360 व्यू आपने दिया। और सर इसी के साथ एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दैट वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो NISM रजिस्टर्ड है, बट सेबी रजिस्टर्ड भी बहुत जल्दी हो ही जाएंगे हम लोग। जी सो प्लीज़ वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, प्लीज़ टेक योर डिसीजन, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल कंसल्टेंट बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। जी तो सर ये था मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर। एंड एक सर अनाउंसमेंट है दैट एक ऑप्शन का कोर्स शुरू होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। जी उसकी सारे डिटेल्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगी और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिल्कुल मिस मत कीजिए ये कोर्स, बहुत ही फुल फुल नॉलेजेबल इससे होने वाला है। एंड यू कैन लाइक ब्लाइंडली ट्रेड ऑप्शंस, तो बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है। तो सर ये एक अनाउंसमेंट भी था मेरे साइड से। जी जी सर, तो सर मेरे साइड से यही एक अनाउंसमेंट थी। जी जो ऑप्शन का जो हमारा कोर्स रहेगा वो आपको स्ट्रोंग करने के लिए है, आपको बताने के लिए कि कहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कुछ भी बाइंग या सेलिंग के लिए, अगर हमें जाना है कैसे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्या साइकोलॉजी होती है, उन सब के ऊपर हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे और टेक्निकल लेवल्स के ऊपर भी ध्यान देंगे, तो काफी अच्छा रहने वाला है। और आप जानते हैं राहुल सर जब किसी चीज को करते हैं तो पूरे मन से और पूरे तरीके से करते हैं, ऐसे कुछ बिना जी किसी उसके नहीं, पूरी जिम्मेदारी के साथ करते हैं। तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। थैंक यू, बाय बाय।